नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिशियल रेसिडेंस व्हाइट हाउस में रविवार रात मिला व्हाइट पाउडर और कुछ नहीं बल्कि नशीला पदार्थ कोकीन था। ये दावा अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने मंगलवार रात को किया। इस मामले की जांच सीक्रेट सर्विस की टीम कर रही है। 3 दिन पहले रविवार को ये पाउडर व्हाइट हाउस की लाइब्रेरी में पाया गया था। इसके बाद व्हाइट हाउस का लाइब्रेरी वाला हिस्सा कुछ देर के लिए खाली भी कराया गया था। सोमवार को इस पदार्थ की जाँच शुरू हुई और अब इसके कोकीन होने की पुष्टि हुई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में जांच दल में शामिल एक फायर फाइटर के हवाले से कहा गया, हमने पाया कि वो वाइट पाउडर कोकीन हाइड्रोक्लोराइड था। हमने इसे बरामद करने के बाद बैग में डाला और बाहर ले आए। अखबार ने जब इस बारे में सीक्रेट सर्विस से बातचीत की तो उन्होंने कहा फिलहाल जांच जारी है, लिहाजा कोई कमेंट करना सही नहीं होगा। वहीं सीक्रेट सर्विस के स्पोक्समैन एंथनी ग्लेमी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा अभी इस पाउडर के कुछ और टेस्ट किए जाने हैं, इसके बाद ही तय हो पाया कि वो किन है या कुछ और। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।